नमस्कार, मैं हूं दर्शक और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IPL 24 पर, जहां पर करनाल में नायब सिंह सैनी चुनाव जीत रहे हैं और बीजेपी में जश्न का माहौल है और उनके भाई गुलाब सैनी जो कनाडा से इस चुनावी कैंपेन को संभालने के लिए पहुंचे थे, उनका मुंह मीठा करवाकर तमाम जो कार्यकर्ता है उन्हें बधाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे सबके साथ जरूर शेयर करें। बीजेपी में करनाल में जश्न का माहौल है क्योंकि नायब सिंह सैनी एक तरफ चुनाव जीत रहे हैं विधानसभा का उपचुनाव और दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर करनाल से लोकसभा का जो चुनाव है वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1,71,000 वोटों की जो लीड है वो दिखाई दे रही है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें सब यहाँ पर करनाल से देख रहे हैं जहाँ पर गुलाब सैनी है उनका मुंह मीठा करते हुए तमाम जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उनसे एक बार बात कर लेते हैं, 2 दिन बाद उनकी फ्लाइट भी है क्योंकि अपना काम पूरा कर वो जा चुके हैं। गुलाब जी, सबसे पहले तो बधाई हो, जो शुरुआत आपने की कार्यकर्ताओं ने साथ दिया और जो रणनीति अपनी वो कहीं ना कहीं काम आई। बिल्कुल कामयाब आई और मैंने आपको बोला था कि बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं और जो भी जितने भी कार्यकर्ता टीम थी वो सारी आज यहाँ पे है। चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं और एक बहुत ही बढ़िया जो लोगों की इच्छा थी वो रिजल्ट आया। कितनी लीड ले रहे हैं खट्टर साहब और कितनी लीड से सैनी साहब अभी आगे हैं? सैनी साहब 35,000 से आगे हैं, अभी एक राउंड बचा है और खट्टर साहब मेरे ख्याल में 1.5 लाख से आगे हैं। 1,71,000 से आगे हैं। और हरियाणा का क्या लग रहा है, कभी 7 सीटें कांग्रेस के पास चली जाती है, कभी 6 सीटें बीजेपी के पास आ जाती है, मुकाबला बहुत कड़ा है। कुरुक्षेत्र में तो 90-90 वोट का भी अंतर देखने को मिला है और गुड़गांव के अंदर बड़ा उलटफेर हो रहा है, गुड़गांव के अंदर बड़ा उलटफेर हो रहा है, राजबब्बर सीट निकाल रहे हैं कांग्रेस से। देखो, जनता का सम्मान करना चाहिए, अगर जनता उनको देना चाह रही है वोट तो उन्होंने दिया तो उसका हम सम्मान करते हैं जी। पर मैं यही कहूंगा आखिर में जीत बीजेपी की होगी। करनाल में जिस तरह से सैनी साहब के ऊपर लोगों ने विश्वास जताया, बाहर से आकर चुनाव लड़ रहे थे, पहले बाहरी की बात हुई फिर आप लोगों ने कैंपेनिंग करनाल में अच्छे तरीके से की, जिम्मेवारी और बढ़ जाएगी, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, वादे बहुत किए हुए हैं, टाइम बहुत कम है आगे। टाइम बहुत कम है लेकिन वादे सारे सबके पूरे होंगे, जो भी काम पेंडिंग है वो काम भी सारे अधूरे काम सारे पूरे होंगे और सरकार पूरी तेजी से आज से ही आप देखना शाम से ही शुरू हो जाएगा और बहुत स्पीड से काम शुरू हो रहा है और हो आगे होंगे, स्पीड से काम हो रहा है और आगे भी होगा। और आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे बधाई देते हुए। मेरी आप सभी जी, मुझे 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 जरूर खिलाओ जी, लो मुझे भी खुशी है कि सैनी साहब यहाँ पर जिस तरह से कनाडा से आए, कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर हैं उनके एडवाइजर हैं और 2 दिन बाद इन्होंने कनाडा वापस जाना है और जिम्मेवारी इनकी ये लगाई थी कि ये करनाल में आकर चुनावी कैंपेन संभाले। सर कितनी खुशी हो रही है, क्या लग रहा है? बहुत खुशी है, मजा आ गया। चेयरमैन साहब जिस तरह से पसीना बहाया, पसीना तो आज भी आ रहा है लेकिन आज खुशी का पसीना है, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ा उत्साह का माहौल है, खुशी का माहौल है और चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लाडू बांटे जा रहे हैं क्योंकि हमारे प्रधान जी और नायक जी भारी मत से जीत के आगे जा रहे हैं और देश में भी बहुत अच्छी पोजिशन है क्योंकि 300 बार तो कर चुकी है बीजेपी। मैं समझता हूँ जो टारगेट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिया था 400 बार उससे करीब पहुंचेंगे। 400 बार तो ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी, अभी तो सरकार बन जाए ये बड़ी बात है जो इस तरह से दिख रही है। सरकार तो बन चुकी है, 300 पार तो टीवी वाले भी दिखा रहे हैं और फिर सारा रिजल्ट अभी आना बाकी है तो शाम तक देखते हैं क्या क्या होता है, 300 के करीब पहुंचेंगे हम। ये जो शख्स आपके साथ खड़े हैं गुलाब सैनी, इनके आने का क्या प्रभाव पड़ा करनाल में, क्योंकि एक बार तो बाहरी जाओ के नारे लग गए थे लेकिन जिस तरह से कैंपेनिंग को स्मूथली किया, सैनी साहब लोगों के बीच में गए, परिवार बीच में आए, भाई साहब कनाडा से आए, क्या फर्क पड़ा? गुलाब जी अच्छे स्वभाव के, अच्छे राजनीतिक है जिन्होंने कनाडा में भी अपना स्थान बनाया है और यहाँ भी हर आदमी के साथ, हर समाज के तबके के साथ बहुत अच्छे प्यार से मिलके वोटों को बिठाने का काम किया है और सबने मिलके सबके साथ मिलके उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो यहाँ पर खुशी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, विक्ट्री साइन यहाँ पर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग
इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। बीजेपी ने एक बार फिर से करनाल में परचम लहरा दिया और नारायणगढ़ से करनाल आकर चुनाव लड़े नायब सिंह सैनी, एक बड़ी जीत की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। तमाम लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने दिन रात एक कर बीजेपी के लिए ना केवल वोट मांगे बल्कि लोगों के बीच जाकर उन्हें भरोसा भी दिया, दिलासा भी दी कि एक बार अगर मौका मिलेगा तो चार महीने का जो रहता हुआ कार्यकाल है उसमें कुछ बड़ा कर दिखाएंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सीधी तस्वीर इस समय आप करनाल से देख रहे हैं जहाँ पर जो नायब सिंह सैनी के भाई हैं गुलाब सिंह सैनी वो यहाँ पर पहुंचे थे, उनका यहाँ पर स्वागत करते हुए तमाम जो लोग हैं वो नजर आ रहे थे। आप देख रहे हैं आईबीएन 24, मैं हूँ आकर्षण उपल। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर करनाल के बाकी हिस्सों में क्या कुछ चल रहा है। धन्यवाद।